दोस्तों नमस्कार एस वी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है आज हम लोग सीखने वाले हैं पंखे को फिट करना कैसे फिट करते हैं ये हम जानते हैं इस वीडियो में चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दो, दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों देखिए ये स्ट्रेचर है स्ट्रेचर है और इसको क्या करेंगे हम ये पंखे के पल्ले को ले लेते हैं और इसमें इस तरीके से पहना देंगे ऊपर वाले पन्ने को पल्ले को हम पहना दिए हैं दोस्तों इस तरीके से हम इसको पहना देंगे और ये बढ़ जाता है और अब हम चलते हैं इस रोटर की तरफ रोटर में दोस्तों अगर इसमें जंगा या कार्बन कुछ लगा हो तो रेगमाल से साफ कर लेते हैं वैसे दोस्तों ये साफ़ है और रोटर में कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है लेकिन इस रोटर में उल्टा सीधा है ये धारी मोटी है वो नीचे जाएगी और ये धारी पतली है ऊपर जाएगी में नहीं होता है इसमें है दोस्तों इस तरीके से इसको हम फिट कर लेते हैं और अब ये फिट करके हम ये देखेंगे अब बैठा देते हैं पहले तो बैठा नहीं है दोस्तों ये बैठ जाता है अब हम ये देखेंगे ये वाली चीज़ जो है ये और इसकी धारी मिलनी चाहिए अगर नीचे ऊपर है तो हम वासा लगा के बराबर करेंगे तभी ये सही बैठे वो इस्पीड देगा नहीं स्पीड सही से नहीं देता है दोस्तों नीचे ऊपर रहता है इस वजह से और ये देखेंगे घुमा करके कहीं रगड़ रगड़ तो नहीं रहा है ये रगड़ नहीं रहा दोस्तों फिर ही चल रहा अब चलते हैं ऊपर की तरफ ऊपर इसका दोस्तों एक स्प्रिंग होता है स्प्रिंग डाल लेंगे और उसके बाद जो है इसमें एक वाशर भी होता है ये और इस वाशर को भी डाल देते हैं और अब चलते हैं पल्ले की तरफ पल्ले में दोस्तों निशान लगा दिया जाता है और उस हिसाब से और इसको हम ऐसे फिट कर देंगे दोस्तों इस तरीके से कुछ अब ये बैठ जाएगा और ये निशान जो है जो लगाए थे वो मिलाने के लिए हम छिद्रों को भिड़ा लेंगे इस तरीके से भिड़ जाते हैं अब इसको हम बैठा देंगे बैठ जाएगा आराम से ये अब इसको टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा है तीनों पेचों को टाइट करेंगे एक साथ टाइट करेंगे ये देखिए फ्री हो गया फिर इसमें एक चूड़ी कसेंगे फिर इसमें एक चूड़ी कसेंगे दोस्तों इस तरीके से और इधर कसेंगे यानी थोड़ा थोड़ा कसेंगे सबको और ज़्यादा टाइट कर सेंगे अब इसको हम फुल टाइट कर देते हैं दोस्तों ये देखिए फ्री घूम रहा है और कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है लग रही है नहीं लग रही अब इस कनेक्टर को लगाते हैं जिसमें हम कंडेंसर लगाएंगे इसको दोस्तों हम लगा देते हैं और ये कुछ इस तरीके से इसमें टाइट होता है टाइट हो गया अब इस कंडेंसर को इसमें लगा देंगे दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये हमारे चार तार हैं जो नीचे से आए हैं इसमें दोस्तों ये कटा हुआ घाट कुछ में कटा नहीं घाट होता है तो उसका डालने का तरीका दूसरा होता है इसमें कटा है इसलिए ऐसे निकाल लेंगे तारों को इस तरह बाहर और ये निकाल आते हैं अब देखिए दो इसमें स्टार्टिंग के हैं तार और दो रनिंग के हैं तो क्या करेंगे एक स्टार्टिंग के एक रनिंग को एक साथ जोड़ देंगे कनेक्शन करना आप ध्यान से समझ लीजिएगा आप ये देखिए दो दो चार तार में से दो आपके स्टार्टिंग के हैं दो रनिंग के हैं तो एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का ये हम एक साथ जोड़ देंगे ये जोड़ देते हैं अभी इसको हम बांधेंगे नहीं इसमें फिक्स नहीं करेंगे दोस्तों अब बचते हैं दो तार हमारे कंडेंसर के और दो तार बचते हैं हमारे कॉयल के तो एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का ले लिए ब्लैक ब्लैक में जोड़ देते हैं वैसे तो है यहाँ पे कलर से कोई मतलब नहीं होता है इसमें दोस्तों अब एक तार रेड का बचा और एक ये कंडेंसर बचा क्वाल का बचा एक तार एक कंडेंसर का बचा इसको जोड़ देंगे अब दोस्तों देखिए ये आपका ये आपका कॉमन हो गया और इसमें से एक ये रनिंग का हो गया यानी रन करेगा ये, ये स्टार्टिंग का है ये स्टार्ट करके पंखे को छोड़ देगा दोस्तों इस तरीके से इसमें जोड़ देते हैं ये दोस्तों हमारा जो है ये आपका कॉमन हो गया कामन ऊपर वाले तार में जोड़ दिया इसमें कनेक्टर में इस तरीके से जोड़ दिया और ये स्टार्टिंग का हो गया तो इसको जो है यानी बीच में जोड़ेंगे जिसमें हमको लाइन नहीं देनी है ये ये कनेक्टर के बीच वाले पिन पे जोड़ देंगे इसमें हमको करंट नहीं देना है इसमें करंट हमको नहीं देना है दोस्तों इस वाले पे करंट देना है और ये हम नीचे जोड़ देंगे इस कनेक्टर वाली उसमें ये दोस्तों बांध देते हैं अब कुछ इस तरीके से हम इसको टांग लेंगे टांग करके हम चेक करते हैं और ये आप देखेंगे ये दोस्तों देखिए सीरीज में चल रहा है कोई आवाज़ कहीं से कुछ भी नहीं है कोई आवाज नहीं है कुछ भी नहीं है इस तरीके से दोस्तों आप कनेक्शन पूरे कर सकते हैं पंखे फिट कर सकते हैं धन्यवाद